जदादिक और जिया शंकर के लव एंगल के ऊपर लोगों ने उठाई है उंगलियां। जिया शंकर को भी काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई जा रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कोई भी फिल्टर नहीं होगा, अनफिल्टर्ड होंगी चीजें, तो क्या बातें कर रहे हैं। चलिए फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ और मेरा विचार क्या है उसके बारे में भी आप लोगों से ही इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जदादिक का प्यार का एंगल स्टार्ट हो रहा है, प्यार जो है दिखाई दे रहा है वहीं पर जो है जिम के पास एक किस करते हुए हाथ में नजर आए जदादिक जिया के, जो कि जियो ने जो है अपने एप्लीकेशन पे ये फोटो जो अपने ट्विटर हैंडल पर ये फोटो जो है शेयर भी की है। इसके बाद काफी ज्यादा चर्चा होने लगी सोशल मीडिया पर। लोगों का कहना ये है कि जदादिक जो है वो एक्चुअली में इसका जिया वो उसका प्यार का एंगल दिखाई दे रहा है, पर ऐसा नहीं है कि जिया जो है वो प्यार नहीं करती है। अगर वो मतलब कि अगर थोड़ा इंटरेस्ट ना लेती होती तो उसको स्टॉप करती, तो वो भी तो थोड़ा बहुत मजा ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो उसको भी प्यार है कहीं ना कहीं। जिया जो है वो गलत कर रही है, जदादिक भी गलत कर रहा है। जिया को शादीशुदा इंसान के साथ ये लव एंगल नहीं चलाना चाहिए। तो वैसे मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं, ये कोई गंदा नहीं लगा है। अगर किस की है, अगर किसी को अट्रैक्शन हुई है, प्यार तो नहीं होगा भाई इतनी जल्दी, अट्रैक्शन कहा जाएगा। अगर अट्रैक्शन हुई है, जिया को भी हुआ है अट्रैक्शन, तो उसमें भी क्या गलत बात है। और जदादिक की शादीशुदा की बात रही, वो शादीशुदा है डेफिनेटली, बट सेपरेट हुआ हुआ अपनी वाइफ से और उसकी एक बेटी है, ऐसा सुनने के लिए आया है। तो शादीशुदा इंसान के साथ आप प्यार नहीं कर सकते, ये तो कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि हमें देखना चाहिए फिर उंगलियां उठानी चाहिए अगर गलत लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि जिया कुछ गलत करेगी, क्योंकि जिया को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आप लोग भी क्या जिया के लव एंगल के ऊपर ये उंगलियां उठाएंगे या आपके विचार मेरे साथ सहमत हैं, बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।